स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। ये आपका कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या गैस इक्वेशन, केमिस्ट्री में गैस इक्वेशन और फिजिक्स में कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हर बच्चे को याद रखना चाहिए। पहला आइडियल, पहला आइडियल स्लिप, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, समझिए ना, ये कब होगा? जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। P1V1 P2V2, समझ गए? ये एक फॉर्मूला है। दूसरा जो है आपका, ये कब होगा? जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, बॉयल्स लॉ में P1V1 P2V2। दूसरा चार्ल्स लॉ, P = constant। इसमें क्या होता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट होकर के अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, समझ गए? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, V1 by T1 = V2 by T2, समझ गए? तो पहला बॉयल्स लॉ है, दूसरा क्या होता है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब? जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करके अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आप समझ, चार्ल्स लॉ में क्या, वॉल्यूम प्रेशर कॉन्स्टेंट करके आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, V1 T1 = V2 T2। उसमें क्या है, गैलोसिक लॉ, V कॉन्स्टेंट, P1 T1 = P2 T2। वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट है, समझिए ना, वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट है तो आपका क्या होगा, प्रेशर जो होगा प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, समझिए। ध्यान रखना यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है, केल्विन में लेना है, समझिए, पी प्रोपोर्शनल टू टी। अब तीनों को मिला दें, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को मिला दोगे, P1V1 by T1 = P2V2 by T2 होता है, समझे? कंबाइन लॉ, तीनों को बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसिक लॉ को मिला दोगे तो क्या होगा, P1V1 by T1, समझ गए? और यहाँ पे देखें, P प्रोपोर्शनल टू क्या आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, P प्रोपोर्शनल टू टी है। यहाँ से बोल सकते हैं P जो प्रोपोर्शनल है टी बाय वी है, समझ गए? यहाँ से बोल सकते हैं पी वी बाय प्रोपोर्शनल टू टी है, ये मीन्स क्या, पी वी बाय टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट P1V1 by T1 = P2V2 by T2 if n is constant। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, कि टोटल प्रेशर जो होता है एक गैस ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है, समझिए, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है तो आपका इंडिविजुअल का प्रेशर का सम क्या होता है, टोटल प्रेशर। मतलब तीन चार गैस मिला दी, एक का प्रेशर N1 है, प्रेशर P1 है, दूसरे का प्रेशर P2 है, तीसरे का प्रेशर P3 है, तो टोटल प्रेशर का सम क्या होगा, PA + PB + PC। लेकिन याद रखना कौन सा, नॉन रिएक्टिंग गैस, एक से दूसरे में रिएक्शन हो जाए तो आपका प्रेशर क्या होगा, टोटल का सम होगा। अब एक आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT फॉर n मोल गैस, फॉर 1 मोल गैस क्या हो, PV = RT, n = m/M, नंबर ऑफ मोल, PV = m/M, RT, P = m/V, RT / m, P = RT / m। ये आपका क्या, ये फॉर वन मोल गैस, फॉर एन मोल गैस, इसको डेंसिटी के फॉर्म में अगर लिखें, डेंसिटी के फॉर्म में अगर लिखें क्या लिखें, P ρRT / m। देखो n को क्या लिखते हैं, m/m, और फिर v को इधर डिवाइड करते हैं, m/v को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, RT / m, ये RT / m। ये जस्ट एक फॉर्मूला, इतना ओवरव्यू आपको याद होना चाहिए कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए। थैंक यू।